दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग कैसे हैं जरूर बताइए। हम लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं। जय श्री राम आप सभी को। आज दीदी के घर दुल्हन आ गई है, शादी हुआ है तो दुल्हन आ गई है घर में। अभी रौनक आ जाएगा क्योंकि घर में दुल्हन जब आती है तो लक्ष्मी का रूप होती है। तो अभी आ गई है और आप लोग को अभी हम दिखाएंगे प्रोसेस सब क्या क्या हो रहा है। ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाएंगे तो क्या थोड़ा थोड़ा ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में। और दुल्हन का एंट्री होगा, उसके बाद दुल्हन एंट्री होगा, फिर ककन छोड़ाया जाता है गांव में और चुमन उमन होगा, फिर आपको हम लगेगा आप लोगों को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। आप लोग बने रहिएगा और साथ साथ आप लोग भी इसमें इंजॉय कीजिए दुल्हन का एंट्री में, और फिर देखिए। तो चलते हैं दुल्हन का एंट्री में और आप लोग बने रहिए। यहाँ सभी लोग आ गए हैं और दुल्हन को उतारा जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो दौरा में उतारा जाता है, यहाँ नियम है। और हाथ में दही को लिया जाता है, दुल्हा लेते हैं और दौरा एक एक करके लिया जाता है। दौरा में ही डेग डाल के पान कसैली के साथ में, पान फूल के साथ में उतारा जाता है। तो किसके किसके घर यहाँ ऐसे होता है आप लोग भी बताइएगा। हमारे बिहार में ऐसे ही होता है। तो आगे पीछे दौरा एक एक ठो बढ़ाया जाता है, उसमें एक दुल्हन का पैर एक ठो दुल्हा का पैर रखा जाता है, ऐसे ही उतारा जाता है। बाहर का है पैर रखवाए थे। हमारा भैया ना 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 फरा भाई, नीचे 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 वही पर ठीक है। राम से राम से दुल्हन उतार लिया गया है और यहाँ देवी घर में, कुल देवी के घर में आकर के यहाँ कोहबर होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ अच्छा अच्छा भक्ति गीत गवाता है और वही माता को सुमिरन किया जाता है कि नई बहू आई है तो इसको हमेशा सुखी संपन्न रखें। और अपने देव को, अपने कुल देवी को मनाया जाता है। तो कोहबर कहलाता है, जो लोग बिहार से होंगे उन लोगों को पता होगा, तो एक कोहबर घर कहलाता है। इसमें भी बहुत सारा नियम होता है। तो आप लोग बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। सबसे पहले माँ घर से जब दुल्हन आती है तो उतार करके डायरेक्ट कोहबर घर में लाया जाता है, यानी अपना देव घर में, अपना पितर घर में, अपना कुल देवी के घर में। और यहाँ पूजा पाठ करवाया जाता है, उसके बाद ही कहीं रूम में लेकर जाया जाता है। तो सबसे पहले देवता को मनाया जाता है, मतलब देव लोगों को पूजा किया जाता है। यानी कि दूसरे घर से बेटी आई है तो वो इस घर की अब बहू बन गई, इस घर की लक्ष्मी बन गई। तो भगवान सभी देवताओं से आशीर्वाद लिया जाता है। इसका यही मान्यता है कि सभी देवताओं से आशीर्वाद लेकर के तभी घर में प्रवेश कराया जाता है। तो आप लोग क्या कैसे होता है ज़रूर बताइएगा आप लोग।
दुल्हन के आने के बाद से फिर कंकन छुड़ाया जाता है, जितने जगह न्योता दिया जाता है भगवान को, काली माई को, वरुण बाबा को, जितने भी देवता के स्थान में, वो सभी जगह जा करके और मिठाई और बुकवा चढ़ा करके बोला जाता है कि मेरा जग संपूर्ण हो गया, आशीर्वाद आपका सफल हुआ और मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि दुल्हा दुल्हन को मेरा सुखी संपन्न से रहे। उसके बाद से यहाँ आ करके फिर कंकन छुड़ा करके आए हैं लोग और फिर यहाँ चुमवन हो रहा है, तो कंकन छुड़ा करके आए हैं सभी देवता के पास से आशीर्वाद लेकर के, फिर चुमवन अभी हो रहा है, तो आप लोग बने रहिए, चुमवन का आनंद लेते रहिए। और यहाँ हम भी चुमवन कर रहे हैं, दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सभी लोग पारापारी कर करके चुमवन करेंगे, सभी लोग आशीर्वाद देंगे, दुल्हा दुल्हन को बैठा करके चुमवन होता है, सभी लोग आशीर्वाद अपना देते हैं, मैं भी यहाँ अपना आशीर्वाद दे रही हूँ चुमवन करके, और ऐसे ही सभी लोग एक एक करके चुमवन दे करके आशीर्वाद करेंगे। सुंदर बगिया में कहा लाओ सारे अम्मा लावा मोई है कि सही पटका पटकी बोला ई है लाला हां दूसरा ना अपन सही है घूमता है दवाई कोला के दे नहीं है फोटो को कोला 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 आ गई ना के गाछी पर के बनारा तार मांगे ले चाहिया के चुने जानी दिए माई हमारा बाबा से छुए मुझे खा ना दल बोलो दिन का बॉनी वीडियो थी ऊपर कैमरा लगा कैमरा वाला।
सचिन बाबू सचिन वहां भेज दे बोलो ए कुछ बोल ला हंसत आ रही है हंसत है तन कुछ बोलती तब ने ना हां तो हमने से का बोली है ना दूल्हा से खाली बोती हुई है आओ तनी कदम तर कछि हां वो महात्मा बुद्ध के ले लेता ने बाबू का फेवरेट हमन महात्मा बुद्ध अभी इन तक बो ए गाना एको गाइबो गाइबो एको गाना गाना गाइयो ना गाना ना के सिखले का गावा मारा सपोर्ट करता रे ना तारे ने के बोले के गाइबो एको गाना गा द तनी रोमांटिक गाइया अब बाबू के खातिर गा द एगो हमनी खातिर ना बाबू खातिर गावा अभी हम जा रहे हैं दुल्हन एंट्री हो चुका है दुल्हन आ गई है तो सभी लोग गिफ्ट दे रहे हैं फिर हम भी जा रहे हैं अपना गिफ्ट लेके दुल्हन को देने फिर आप लोग बने रहिए और लेकर जाते हैं तो देखिए दुल्हन को और गिफ्ट देखें उसके बाद से फिर आपको दिखाएंगे और सारा प्रोसेस बने रहिए आप लोग और ढेर सारा इंजॉय कीजिए ढेर सारा प्यार दीजिए यहाँ हम दुल्हन के पास पहुँच गए हैं गिफ्ट लेकर के जिसमें लहंगा है और सारा सिंगार का सामान लाठी चूड़ी सब कुछ है और उसके बाद से नाक का भी है सोने का गोल्ड का और सब कुछ दुल्हन को दे रहे हैं वो भी अपना उसको दे दे रहे हैं और वो अभी वो आशीर्वाद ले रही है प्रणाम करके आशीर्वाद ले रही है मेरे से अभी वो थोड़ा रोई हुई थी इसलिए इसका चेहरा ऐसा हो गया है थोड़ा देर क्योंकि माँ घर से आती है दुल्हन लोग तो थोड़ा सा भावुक हो जाती है क्योंकि अपना घर छोड़ के आती है तो अभी चेहरा इसका उदास हो गया है क्योंकि रोई है बहुत ज़्यादा याद करके अपने परिवार के लोगों को अभी सारा रस्म हो गया उसके बाद से थोड़ा भावुक हो गई थी इसीलिए और कुछ हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं तो बहुत देर बात करके उसके बाद से फिर सारा हंसी मजाक भी कर रहे हैं हम लोग बहू रानी से शादी ब्याह सब बीत गया है और एक घर को खोखला करके दूसरे घर बेटी चली आती है तो यहाँ रौनक हो जाता है और माँ घर में एकदम उदास हो जाता है एकदम शांत हो जाता है कुछ दिखाई नहीं देता है सब घर क्या बोले एकदम खाली हो जाता है बोलिए तो बेटी तो धन होती है और दूसरे घर चली जाती है उसके बाद से जो भी तैयार किया जाता है सामान वो भी चला जाता है तो पूरा घर खाली खाली लगने लगता है तो यहाँ घर में दुल्हन आ गई रौनक आ गया और माँ घर में उनका बिल्कुल खोखला सा दिखाई दे रहा होगा अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप लोग बने रहिए यही दुनिया का रीत है और लड़की पराया हो जाती है जब शादी होता है ना तो मायका हो जाता है अपना घर तो घर एक और आज मायका बन गया क्योंकि कभी भी बोला जाता है ना कि कहाँ के हैं तो बोला जाता है मेरे अपने घर शादी होने के बाद कोई बोलता है माँ घर या नई घर या मायका तो आज फिर एक घर मायका में बदल गया का एंट्री आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा और यहाँ का कंजो छुटता है और चुमौन होता है और लड़का लड़की लोगों को कोहबर में ले जाया जाता है वो सब प्रोसेस हो चुका है तो आप लोग बने रहिए और किसके किसके यहाँ ये सब रस्म होता है ज़रूर बताइएगा और थोड़ी देर के बाद